बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू शोनाज किचन। व्यूवर्स, आज वंस अगेन मैं मेरी पेंडिंग रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ हंगामा चिकन। हंगामा चिकन के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 kg चिकन ली हुई है, बोनलेस स्ट्राइप्स। आप देख सकते हो इसे हैमर से थोड़ा थोड़ा प्रेस कर लिया है मैंने, और इसे फ्लैट चिकन कर ली है। चिकन यहाँ पर ड्राई करके रख दी है। ये है चिकन का मसाला, आप कोई भी ले सकते हो। ये है समोसा पत्ती, वो लास्ट में चाहिए, मैं आपसे बताऊंगी। चिकन मसाला आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। सिजवान चटनी, टोमेटो केचप, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस, विनेगर, सोया सॉस। ये है रेड चिली पाउडर। यहाँ पे हमने लिया है कॉर्नफ्लोर 4 चम्मच, मैदा 2 चम्मच, 1 अंडा, 2 नींबू रेड फूड कलर एंड लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच। सो सबसे पहले हम ये सब डालेंगे। सॉसेस में सब 1-1 चम्मच डालूंगी, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस एंड सोया सॉस हम 1/2 स्पून, विनेगर एंड सोया सॉस 1/2 टीस्पून डालेंगे। टोमेटो केचप हम यहाँ पे डबल डालेंगे, यानी कि ये अगर हम 1 चम्मच डाल रहे हैं तो टोमेटो केचप 2 चम्मच डालेंगे। सिजवान चटनी, चिकन मसाला एंड रेड चिली पाउडर, जितना आपको तीखा चाहिए उतना हमें ऐड करना है। सो मिक्सिंग बाउल में हम सब इन्ग्रीडियंट्स 1 by 1 ऐड कर देंगे। 2 चम्मच मैंने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाला है। अब मैं इसमें एग ऐड करूँगी, नींबू का रस, अंडा और लहसुन अदरक हरी मिर्च हमने ऐड कर दिया है। अब हम चिकन का मसाला एंड रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1.5 kg चिकन में ये जो 40 ग्राम का मसाला है ये हम 1/2 ऐड कर रहे हैं, यानी कि 20 ग्राम हो गया। मसाला आप कोई भी ऐड कर सकते हो। 2 चम्मच रेड चिली पाउडर हम ऐड करेंगे। सारे सॉसेस हमें ऐड करना है। विनेगर के बाद अब यहाँ पे ऐड करेंगे 2-2 चम्मच रेड चिली सॉस एंड ग्रीन चिली सॉस। टमाटो सॉस यहाँ पे मैं 4 चम्मच ऐड करूँगी। चार चम्मच जितना टमाटो सॉस हो गया। नेक्स्ट इसमें हम ऐड करेंगे सिजवान सॉस, सिजवान चटनी, सिजवान सॉस, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। फूड कलर की अगर ज़रूरत हो तो आप ऐड करना, नहीं तो फूड कलर डालना ज़रूरी नहीं है। और ये चिकन को हम अंडे में डाले हैं, मैदा कॉर्नफ्लोर सब अभी से डाल के रख दिए हैं। शाम को इसमें हमें समोसा पत्ती में कवर करना है, इसलिए बहुत ड्राई चिकन नहीं रखना है, नहीं तो आपकी समोसा पत्ती ऊपर स्टिक नहीं होगी। सारा मसाला मिक्स हो गया है, कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। 2 चम्मच यहाँ पे मैदा लिया हुआ है और 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखो सब मिक्स हो गया है। ये ब्रेस्ट पीस में हम अप्लाई कर लेंगे। चिकन के पीसेस मोटे नहीं रखे हैं हमने, फ्लैट कर दिए हैं इसको। एक एक पीस में मिक्स करके, या तो आप चाहो तो सब एक साथ भी मिला सकते हो। ये देखो सारे पीसेस को मैंने इवनली अप्लाई कर दिया है मसाला। अब इसे कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए हम ऐसे ही रहने देंगे, फिर आगे मैं बताऊंगी आपसे। समोसा पत्ती को हमने लंबा लंबा काट लिया है ऐसे बारीक,
और बोनलेस चिकन हमने ले ली है। अब ये चिकन को हम समोसा पत्ती में कवर कर लेंगे। 2 घंटा मैरिनेशन को रेस्ट करने दिया था हमने, अभी इसमें कवर कर रहे हैं। कॉर्नफ्लोर, मैदा, अंडा सभी हमने ऐड कर दिया है। सो अभी डायरेक्ट हमें फ्राई करना है समोसा पत्ती से कवर करके। ये देखो इस तरीके से हमें चिकन को कवर करना है फुल्ली। इस तरीके से हम सारे पीसेस को कवर कर लेंगे समोसा पत्ती से और फिर मैं आपको फ्राई करके बताऊंगी। ये देखो मेरी सारी चिकन कवर हो गई है समोसा पत्ती से। अब हम ऑयल गरम रख के चिकन को डीप फ्राई करेंगे। इस तरीके से हमें चिकन को कवर करना है समोसा पत्ती से। अब हम ऑयल गरम रख के डीप फ्राई करेंगे। ऑयल गरम करके हम ये चिकन पीसेस को डीप फ्राई कर रहे हैं फुल फ्लेम में। दोनों साइड फ्राई करेंगे। ये देखो दोनों तरफ से हमें इसे फ्राई करना है इस तरीके से। अब इसे हम सर्विंग प्लेट में ले लेंगे। ये देखो ये चिकन हंगामा को मैंने सर्विंग प्लेट में ले लिया है और इसे टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। सो अगर आपको ये चिकन हंगामा की रेसिपी पसंद आती है तो इस डिश को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से शेयर कीजिए एंड शोनास किचन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।